चमोली में हेमकुंड यात्रा पर गए सिख श्रद्धालुओं को वाहन न मिलने पर जमकर हंगामा किया। साथ ही प्रशासन से वाहन से भेजने की मांग को लेकर गोविंद घाट में 3 घंटे का जाम भी लगाया। सूचना मिलने पर उपजिलाधिकारी जोशीमठ कुमकुम जोशी और प्रभारी कोतवाल विजय भारती मौके पर रवाना हुए। वहीं गोविंद घाट में लगभग 300 सिख श्रद्धालुओं को निजी वाहनों से भेजा। इसके बाद 3 घंटे बाद जाम खुला। SDM जोशीमठ ने कहा कि वाहन न मिलने से सिख श्रद्धालुओं ने गोविंद घाट में 2.5 घंटे का जाम लगाया। मौके पर जाकर निजी वाहनों से भेजा गया। चमोली से नीरज कंडारी की रिपोर्ट।